ओके गाइज, मैंने पहले से भी आप लोगों को बता के रखा हूँ कि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलता है कोई भी चीज़ का जो चैनल हमारा जिसके बारे में है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करूँगा। कुछ भी जानकारी हमें मिलेगा तो आप लोग को भी उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। एक्चुअली कुछ यूजर्स भी मुझे ईमेल करते हैं, आपका भी कुछ अगर क्यूरी होगा ज़रूर हमें ईमेल करिए या आप लोग कमेंट करिए, मैं वहाँ पर भी आंसर दे देता हूँ अगर वो छोटा में कम कम्प्लीट हो जाता है, नहीं तो आप लोग को वीडियो के जरिए मैं बताने के लिए कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक यूजर ने बताया कि कोडलर का कुछ वेब व्यूअर का प्रॉब्लम है, जो आप लोग को बटन क्लिक करने से प्रॉब्लम होता है, जिसका वजह से उनका भी जो पॉलिसी वायलेशन का वजह से उनका जो फेसबुक में है एडवर्टाइज आना बंद हो चुका है। ठीक है, मैं और भी आप लोग दिखाऊंगा कि यहाँ पे और भी एक इशू हुआ है, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली कोल्डर का क्या प्रॉब्लम है ये नहीं है ये तो हम बताना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने अगर मुझे AI फाइल शायद दिए होते या कुछ ब्लॉग्स दिखा रहे होते तो शायद मैं ज़्यादा जानकारी दे सकता था। लेकिन यहाँ पे अभी जो मेन इशू है यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने एक ऐप्स बनाए थे जो ऐप्स का नाम कुछ ऐसा है, एंड यहाँ पे ये जो FAQ के लिए यहाँ पे ऑलरेडी एक एडवर्टाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसका वजह से उनका जो एक प्लेसमेंट आईडी वो ब्लॉक हो चुका है, एंड उनका भी और एक प्लेसमेंट आईडी था, ऐसे करके 3 प्लेसमेंट आईडी को उन लोगों ने ब्लॉक किया है, क्योंकि इनको 3 तो एक्चुअली क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं था, शायद दो में ही काम एक ही में ही काम हो जाता, एक तो बैनर के लिए दूसरा इंटरेस्टेशन के लिए। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं क्लिक करने से एडवर्टाइज जा रहे हैं। एक्चुअली अगर आपको एडवर्टाइज सिस्टम पता नहीं होगा तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं कि एडमोक का अप्रूवल सिस्टम, या आपका फेसबुक वाला भी वीडियो देख सकते हो जहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी बताया हूँ कि किस तरह एडवर्टाइज दिया जाता है, एंड और एक भी वीडियो बनाया था मैंने यहाँ पे, ये रहा मतलब ब्लॉग्स कैसे बनाना है कि 5 क्लिक में आपका एक एडवर्टाइज शो हो, मतलब बार बार नहीं शो, जैसे यूजर भी परेशान ना हो और एडवर्टाइजर भी परेशान ना हो। तो इसको फार्मूला को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो जिसके ज़रिए में आपका एडवर्टाइज में ज़्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन अभी जो इनका ये हुआ है कि पहले तो जो जो प्लेसमेंट आईडी दिए थे उनका जो मैन ऐप्स में, वो प्लेसमेंट आईडी को ही ब्लॉक किया जाता है। अगर एक ही ऐड को आपने सारे जगह दिए होंगे तो ब्लॉक हो गया, तो इसी वजह से 3 अगर क्रिएट किए होंगे, 3 अलग अलग दिए होंगे, तो फिर आपको एक एक करके जहाँ पे जैसे इशू आएगा उसको ब्लॉक किया जाता है। ठीक है, अगर एक ऐप में भी आप लोग 3 प्लेसमेंट आईडी बना सकते हैं, ये बात कर रहा हूँ फेसबुक का। तो इसी वजह से इनका जो ब्लॉक हुआ एंड आप लोग देख सकते हैं उनका भी कुछ एक रूल रेगुलेशन आया, तो ये रूल रेगुलेशन भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। एंड और एक चीज़ होता है, ये चीज़ आप लोग पढ़िए कि अगर आपका ऐप प्ले स्टोर में नहीं है या आपका एप्पल स्टोर में नहीं है तो आपको भी एडवर्टाइज नहीं आएगा। मींस अगर आप सोचेंगे कि शुरुआत में हमने प्ले स्टोर में डाल दिया अपना ऐप्स को, एंड बाद में हम क्या करेंगे ना, वो ऐप को हटा देंगे, या अगर आपका प्ले स्टोर अकाउंट सस्पेंड हो गया या आपका वो ऐप सिम रिमूव कर दिया गया, तब आपको एडवर्टाइज आना बंद हो जाएगा, कि ये उनका रूल का खिलाफ है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि उन लोग बार बार चेक करते रहते हैं, कभी भी उनको ऐसा पता चला तो आपको ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया जाएगा, एंड ये एक पॉलिसी वायलेशन का अगेंस्ट में आता है। तो इसी वजह से आपका ऐप में एड्स शो नहीं होगा। एंड हाँ, अगर आप दोबारा प्ले स्टोर में वो ऐप्स को लेकर आकर आ जाएंगे तो फिर आप लोग एडवर्टाइज यहाँ पे अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ था, ये स्क्रीनशॉट मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो पॉलिसी का उनका जो मेन रूल है, पहला तो चीज़ है कि अगर उनका ऑडियंस नेटवर्क में कुछ भी अगर मिसलीडिंग कुछ पॉलिसी वायलेशन होता है तो धीरे धीरे करके या तो पूरा ब्लॉक कर सकते हैं, नहीं तो वो थोड़ा सा लिमिट कर सकते हैं कि एडवर्टाइज कम देंगे, ये उनका ऊपर डिपेंड करता है। एंड यहाँ पे देखिए 4 नंबर में भी ऑलरेडी क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पे आईटून मतलब एप्पल स्टोर का, एंड आपका गूगल प्ले, यहाँ पे उनका जो ऐप्स रहेगा उसी में ही एड्स आएगा, अगर वहाँ से हट गया तो फिर आपका एडवर्टाइज नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने पहले से भी बता चुका हूँ। ये छोटी सी जानकारी देने का मतलब ये है कि आप लोग को कभी भी कुछ ऐप्स बनाना चाह रहे हैं उसका तो पहले प्रॉपर तरीका से मतलब एडवर्टाइज जो सिस्टम है, ज़्यादा एडवर्टाइज नहीं देना है। बैनर एड आप जितना बार दीजिए, जितना बार उसको कंटिन्यू करिए, नो इशू, लेकिन आप हमेशा इंटरेस्टेड एड को बार बार नहीं देना है। मान लीजिए 5 क्लिक में एक दीजिए, सबसे बेहतर होता है कि 5 या 7 क्लिक 8 क्लिक का बाद में एक दीजिए तो और भी बहुत बेहतर होता है। ठीक है, समझ गए, दोबारा वीडियो को देख लीजिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा। एंड ये जो पॉलिसी वायलेशन का चीज़ है ये सभी का ही होता है, केवल फेसबुक नहीं, एडमोब भी हम लोग ने कितना सारा चीज़ झीला है। तो ये एक जानकारी है, एंड कल भी और एक वीडियो में बढ़िया सा और भी मज़ेदार बात करेंगे। चलिए वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं किसी वीडियो के साथ।